Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें. जज़ाकअल्लाह. हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये असाइनमेंट जो है ना आपका, वो मैं आपको समझा रहा हूँ. सर सैयद अहमद ख़ान एंड हिज सर्विसेज, ये जो है एक सवाल आपका यहाँ से है. जब आप इसको ओपन करेंगे, ब्लैक बोर्ड पर अपलोड है ये फ़ाइल आपके पास, तो देखें ये जो पैराग्राफ है ये वाला. इस पैराग्राफ में ये बताया गया, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जब लड़ाई हो रही थी, आज़ादी की जंग हो रही थी, 1857 में, ही वॉज वर्किंग इन बेजनोर एंड सर्व द लाइव्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, मैनी ब्रिटिश वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो सर सैयद ने, ज़ाहिर है जज के अहदे पे फ़ाइज थे, उसके दौरान इन्होंने बहुत सी ख़वातीन और बच्चों की जान, अपनी जान ख़तरे में डालकर बचाई. तो ये क्या कंप्लीट वाक़या था, ये क्या स्टोरी थी, ये सारा एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर वन ये है कि ये क्या वाक़या था, इसका आपने कंप्लीट आंसर देना है, जवाब देना है, बताना है कि ये वाक़या इस तरह से था सर सैयद अहमद ख़ान साहब का, और वो किस अहदे पर थे, और क्या वक्त था, क्या लड़ाई हो रही थी, और किस तरीके से इन्होंने अपनी जान को जो है वो ख़तरे में डालकर और इन इंसानों की जान बचाई थी. सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर नेशनल हीरोज़ के सिर्फ नेम आपने लिखने हैं, ये दो सवाल हैं. ठीक है जी, नेशनल नेम्स लिखने आपने, नेशनल हीरोज़ के नेम, भाई ये दो सवाल हैं. इंस्ट्रक्शंस क्या हैं आपके असाइनमेंट की, ये मैं आपको बता देता हूँ लाइन वाइज, और ब्लैक बोर्ड पर भी अपलोड हो जाएंगी, वहाँ पर भी आपको पता चल जाएंगी, आपके ग्रुप पर भी आपको दे दी जाएंगी. तो देखें, दिस इज़ द फर्स्ट असाइनमेंट, ऑल स्टूडेंट्स विल कम्प्लीट इन वन वीक. टोटल मार्क्स जो हैं वो 3 हैं. सेकेंड, द असाइनमेंट इज़ टू राइट बाई हैंड, अपने हाथ से आपने इस असाइनमेंट को लिखना है. नेक्स्ट ये है कि स्टूडेंट्स का असाइनमेंट जो है वो सेम एक जैसा नहीं होना चाहिए, अगर एक जैसा होगा तो वो असाइनमेंट जो है दोनों को नंबर नहीं मिलेंगे. इसी तरह असाइनमेंट जो है वो हाथ से आपने लिखना है, और उसकी कॉपी जो है करके, यानी कि आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ फाइल बना लें, और आपने ब्लैक बोर्ड पर सबमिट करना है. मुझे पर्सनल में कोई नहीं भेजें. अगर आप पर्सनल में भेजेंगे और कल को आप कहेंगे मुझे मार्क्स नहीं मिले, तो उसके हम ज़िम्मेदार नहीं हैं. जो ब्लैक बोर्ड पर अपलोड करेंगे उन्हीं को मार्क्स दिए जाएंगे. तो असाइनमेंट जो है वो आपने ब्लैक बोर्ड पर सबमिट करना है. असाइनमेंट आपने जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन आंसर आपको हमने बता दिए हैं, वही आपने बताने हैं, उन्हीं का ही जवाब देना है. द असाइनमेंट, द क्वेश्चन एंड आंसर गिवन इन द लास्ट क्लास, हमने लास्ट क्लास में ये आपको पढ़ाया था, उसकी वीडियो लिंक से आप उस लेक्चर को सुनकर भी असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं. असाइनमेंट शुड बी सबमिटेड ऑन ब्लैक बोर्ड इन नेक्स्ट 7 डेज, जो जिस दिन असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा ब्लैक बोर्ड पर, उससे आगे 7 दिन तक आपके पास वक्त है. इंग्लिश में ही आपने असाइनमेंट करना है, उर्दू जबान में नहीं करना. क्वेश्चन आंसर आर अवेलेबल इन दिस लिंक, ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये लिंक्स दे दिए हैं, तो इनकी मदद से आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लें. अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से इस असाइनमेंट को कम्प्लीट करवा दें, आपको पूरे नंबर मिल जाएँ. 3 नंबर हैं इसके. दुआ में याद रखिए, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Famous Scholar. Isko subscribe karke bell icon pe zarur click kare. Jazakallah.